ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षून्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगणो ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरूपेश कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य निर्देशिता। हरे कृष्ण। हम पढ़ेंगे श्रीमद्भागवतम सातवां कैंटो 13वां अध्याय हमने समाप्त किया था। अगला अध्याय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख रहे हैं शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन। लेकिन इसको पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि हमारा पारिवारिक जीवन पूरा मैस्ड अप है, क्योंकि ये कौन बता रहे हैं? नारद मुनि बता रहे हैं। नारद मुनि के स्टैंडर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए तैयार रहिएगा, अपनी सीट बेल्ट्स को बांध लीजिएगा, क्योंकि हमारे को बहुत ज़्यादा ग्लानी होने वाली है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि व्हाट इज़ आइडियल गृहस्थ लाइफ, पारिवारिक जीवन जिसमें हम सब लोग हैं। हम लोग रिसेंटली पढ़ रहे थे कपिल भगवान की शिक्षाएं अपनी माता को, और वो बता रहे थे कि जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन के पालन पोषण में लगा रहता है उसको लेने के लिए इंद्र के दूत आते हैं, विष्णु दूत आते हैं, कौन आता है? जो अपने परिवार को चला रहा है बेचारा कोई गलत काम कर रहा है, वो क्या परिवार को नहीं चलाना चाहिए? ये हम दूत क्यों लेके जा रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं? अंध्र तामिस्त्र नरक में। अब बताइए संसार में हम लोग शादियां करा रहे हैं धड़ल्ले से, करा रहे हैं एक साथ सामूहिक विवाह, सुना है आप लोगों ने? आप किसी की शादी करा दो, जैसे कि हम कई बार बताते हैं किसी व्यक्ति को, कोई आता है हमारे नया, हम बताते हैं जी हम ऐसे प्रचार कर रहे हैं, हम ऐसा गुरुकुल चला रहे हैं, उसका अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, हमने ऐसे ऐसे किसी की शादी करा दी, कहता ओह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। हाँ हमने ऐसे 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 जैसी चीज़ें बताओगे आप बड़ा प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। हाँ आप तो आप समाज के लिए आप कुछ कर रहे हैं। और शादी करा के क्या हो रहा है? वो लोग कहाँ जा रहे हैं सारे? अंध तामिस्त्र नरक में। बताइए जो व्यक्ति आपको नरक में भेज रहा है वो क्या समाज सुधारक है? हैं? क्या है वो व्यक्ति? क्या है व्यक्ति वो? हैं? यमदूत है वो। हैं? एक यमदूत तो मरने के बाद लेने आएगा, और कुछ यमदूत हैं तो यमदूत के पास ले जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। हाँ क्या करा के? हमें ये सिखा के कि परिवार कैसे चलाया जाता है। बड़े दुख की बात है कि हमारे माता पिता भी कई बार हमें यही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? माता पिता ट्रेनिंग देते हैं, बेटा देख तेरी शादी हो गई है, हो रही है,
और उधर माँ भी लड़की को समझाएगी, देख बेटी तेरी शादी हो रही है, ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा, ससुराल ही तेरा जीवन है, तू वहाँ से जाएगी, तेरी अर्थ ही वहाँ से निकलनी चाहिए, जो पति बोले तेरे को वही करना है। अगर पति बोलता है कि मीट खाना है तो तुझे मीट खाना तेरा धर्म है। और ऐसा कई लड़कियों ने किया, एक कन्या को मैं जानता हूँ, बेचारी अच्छी खासी लेडी थी वो, और उसके शादी हुई उसके मुस्लिम पति से, उसके मुस्लिम पति ने बोला तुझे मीट खाना है, ये हमारा धर्म है। उसने कहा मैं अपने धर्म का पालन करूंगी, और उसने मीट खाना शुरू किया। तो यही सिखाया जाता है, पिताजी सिखाते हैं बेटा देख जो भी कमा के लाएगा हाँ पत्नी के हाथ में धर दियो, हाँ इतना तो धर कियो कि वो घर का राशन ला पाए, ये तेरी जिम्मेदारी है, आज से तेरी जिम्मेदारी यही है कि अपने पत्नी की पूरी केयर करना, अपने परिवार को देखना। ये अच्छे विचार हैं, ऐसा नहीं है बुरे विचार हैं, लेकिन भागवत बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो इसी काम में लगा रहता है वो अंध्र तामिश्र नरक में जाता है। अब या तो भागवत कथाएं बंद कर दें दुनिया में, चारों तरफ पगड़ी पहने कोई भागवत कथा कर रहा है, हाँ जिस कोने में चले जाए, ये बात तो एक अच्छी लगती है मुझे, चाहे वो कैसा भी पढ़ रहा है लेकिन पूरी दुनिया में भागवत सप्ताह, भागवत भागवत भागवत। हम एक गाँव में गए थे, एक बूढ़ा आदमी इस बार बोल रहा था कि आज तक यहाँ भागवत कथा होती आई थी, ये आदमी ने यहाँ पे नवरात्रे शुरू कर दिए, वो देखो मेरी बेटी बीमार पड़ने लगी, आज तक कुछ नहीं हुआ था, मछली खाना शुरू कर दिया, वो बीमार पड़ गई। तो मैं सोच रहा था कि भागवत के बारे में लोगों को है अभी भी, लेकिन वो जानते ही नहीं कि भागवत है क्या, पढ़ी नहीं है उन्होंने। उन्होंने कुछ डांसिंग ऑफ कृष्णा विद गोपीज कहीं पढ़ा है, कुछ कुछ जन्म की कथाएं बड़ी अच्छी लगती है ना, जैसे आप कहीं देखोगे राम कथा लोग बड़ा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते सुनाते आदमी के आंसू बह रहे हैं, सामने वालों के भी आंसू बह रहे हैं, क्योंकि वो एक फैमिली ड्रामा लगता है। जा रहे हैं वनवास, जा रहे हैं घर छोड़ के, हाँ कहाँ जाएंगे, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ये गाना इतना फेमस हुआ था मैं बता नहीं सकता आपको, लोग रोते थे इस गाने को सुन के, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसे इमोशनल कंटेंट डाला गया था कि आदमी रो पड़ता है। आई है बड़े दिनों बाद वतन से चिट्ठी आई है, कि मैं कहीं और हूँ, कहीं दूर हूँ, चाहे वो जाते हुए लम हो, जरा ठहरो मुझे कुछ कहना है, मैं बॉर्डर में हूँ, मेरी पत्नी वहाँ पर है, वो क्या कर रही होगी, उसने क्या पहना होगा, वो क्या बना रही होगी, यहाँ मैं मरा हूँ मुस्टंडों के बीच में, गोली कभी भी मेरी छाती पे गोली लग जाएगी, ओ लम्हो। ये बातें कैसी लगती हैं, बड़ी भाती हैं दिल को, सारा समाज यही सुनना चाहता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार और कि हम किसी की 13वीं में गए थे, वहाँ बकायदा प्रोफेशनल हारमोनियम लेके बैठे थे और वो उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए वहाँ सबको रुला दिया। कहाँ क्या था वो भी ऐसी था, चिट्ठी न कोई संदेश कहाँ तुम चले गए, वो सब रो रहे हैं कहाँ तुम चले गए, वहीं चले गए जहाँ आप भी जाओगे थोड़े दिनों में, वहाँ वेट कर रहे होंगे अंध्र तामिस्त्र नरक में, आपका वेट करते पाए जाएंगे, वहीं मिलेंगे आपको, चिंता की बात नहीं है। तो ये सारा इमोशनल ड्रामा जिसके ऊपर भी सारे टीवी सीरियल सारी पिक्चरें हिट होती हैं, इन इमोशनल ड्रामे के लिए वही श्रीमद् भागवतम जिसकी भागवत सप्ताह आप करते हैं जगह जगह पर, वही भागवत सप्ताह बताता है। हम नहीं बता रहे हैं कि वो व्यक्ति अंध्र तामित्र नरक में जाएगा, इसमें कोई भी विचार इस्कॉन का नहीं है, इस्कॉन तो शास्त्रों पर आधारित है। हाँ तो इसलिए आदर्श पारिवारिक जीवन फिर क्या है, अगर ये नहीं है तो क्या है, क्या करें हम परिवार में, बच्चों को क्या करें, जहर दे दें, तो ये नारद मुनि बताएंगे क्या करें। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, क्या पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा कि हे स्वामी हे महर्षि, कृपया करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग किस तरह वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग घर पर रहने वाले और हमें कुछ जानकारी नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि इतने बिजी हो जाते हैं, नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, अगले दिन का कुछ भिगोना है, कपड़े धोने हैं, कपड़े सुखाने हैं, झाड़ू पोछा करना है, डस्टिंग करनी है, अब बताओ इसके बाद क्या समय मिलेगा, मिलेगा फिर कोई रिश्तेदार आ गया अचानक से बिन बुलाया, या हमें किसी रिश्तेदार ने बुला लिया, अब ये वाला प्रोग्राम है, अब इसके यहाँ मेहंदी है, मेहंदी की रात है,
हाँ, या लेडीज संगीत है, अब ये है, तो समय कहाँ है बताइए। इसलिए वो कह रहे हैं कि जीवन के लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग कैसे करें इस काम को, बड़ा मुश्किल है। क्या हम भी कर पाएंगे, या केवल योगी लोग, त्यागी लोग, सन्यासी लोग ही इसको कर सकते हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में नारद मुनि बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को किस किस तरह काम करना चाहिए। पहले उन्होंने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यास के आचरणों का वर्णन किया, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन उद्देश्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से आचरण महत्वपूर्ण हैं? ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा कारण है? इसमें गृहस्थों को क्यों नहीं बताया पहले, क्यों बता रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है? हाँ हाँ समर्पित हैं, क्यों समर्पित हैं? इन तीन आश्रमों में आपके पास समय ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन कम है। पहला कौन सा है? तो ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए है? पतंजलि। हाँ, यहां बता रहे हैं ये तीनों आश्रम जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेस्ट हैं। कौन सा है पहला? ब्रह्मचारी आश्रम। किसके लिए है ब्रह्मचारी आश्रम, किसके लिए है? हाथ खड़े करो। क्या है इस आश्रम की विशेषता, क्या है ये, क्या बोला नारद मुनि ने या प्रभुपाद ने? बस अपनी बुद्धि को इतना तीव्र करो कि एक बार सुनाई दे तो छप जाए दिमाग पे। क्या क्या हो जाए, यही भूल गए हैं? छप जाए, दिमाग में छप जाए, ऐसे सुनना चाहिए आदमी को। हाँ जी, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? ब्रह्मचारी आश्रम बताओ, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य पूरा करने के लिए बड़ा उपयुक्त है। ये आलू का परांठा खाने के लिए नहीं है, ये पिज्जा खाने के लिए नहीं है, ये लड्डू खाने के लिए नहीं है। है चैतन्य प्रभु है नहीं है? किस लिए है, दोबारा बताओ? जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बड़ा उपयुक्त है। यही समय है बच्चों, इसके बाद ऐसी शक्लें हो जाएंगी थोड़े दिनों में, ऐसी देख लो इन सबको, देखो इनको ध्यान से, इनकी शक्लों को देखो, उस वक्त कुछ नहीं कर पाओगे। समझे? हम लोग सोचते हैं ये खेलने कूदने खाने पीने की उम्र है, खासतौर पे आप ही लोग सोचते हैं ऐसा, हमारी माताएं इतनी तपस्या क्यों करनी है, ऐसा क्यों करना है, जीने दो बेचारे को जिंदगी। यहां तो कुछ और उतारे नारद मुनि। दूसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ। अब ये तो बड़ा भयंकर आश्रम है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम जब बोलते हैं भैया वानप्रस्थ में आ जाओ, नहीं प्रभु जी दो चार साल थोड़ा सा और, नहीं प्रभु जी दो चार साल, अचानक से एक दिन न्यूज आती है कहाँ तुम चले गए, दो चार साल, दो चार साल, दो चार साल, दो चार साल, ये आश्रम तो लेता ही नहीं है कोई आवाज की रेट में। ब्रह्मचारी तो मजबूरी है, इंद्रियां ही विकसित नहीं है, बेचारा क्या करे। कैसे बोले ओले ओले ओले, अभी है ही नहीं पेट में गोले, जब गुर्दा किडनी वगैरह बड़े हो जाएंगे तब आएगा ये सब। तो ये तो मजबूरी वाला आश्रम है, ये तो सबके लिए है। लेकिन वानप्रस्थ तो आदमी को लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और छोड़े कैसे, मुश्किल काम है। मुश्किल काम है कि नहीं? बड़ा मुश्किल लगता है, कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे हो पाएगा। हाँ बताइए, कौन सी उम्र वानप्रस्थ आश्रम के लिए बताई गई? 50। कहाँ पे बताए, ये इस्कॉन की कोई फिलॉसफी है, कहाँ बताया गया है कहीं? शास्त्रों में बताया गया है। देखिए जी, मैं ना परपट पढ़ रहा हूँ, प्लीज डोंट थिंक कि मैं कुछ कॉक्ट कर रहा हूँ, ये परपट पढ़ा मैंने, फिर से बता देता हूँ। इस पहले श्लोक का परपट था ये कि उन्होंने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का वर्णन किया, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, तीनों आश्रम। तो बचा कुचा क्या है बचा? गृहस्थ।
तो चलो मान लेते हैं गृहस्थ के लिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग वानप्रस्थ आश्रम में आने वाले हैं, ये आ चुके हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। तो क्या है, क्या करना पड़ेगा इसमें जीवन, इसमें क्या उद्देश्य है जी वानप्रस्थ आश्रम में, क्या उद्देश्य है जीवन का, क्या बता रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला आश्रम, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। यानी कि फिर आपको क्या लगता है कि जब इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या करना चाहिए इस आश्रम में, हमें सेवा में लग जाना चाहिए, 1 घंटा रोज सेवा कोई ना कोई होनी चाहिए हमारे पास। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं। तो आधे घंटा, 24 घंटे, 24 घंटे सेवा, तो घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, नहीं नहीं घर कैसे चलेगा, भगवान भगवान आके खाना बनाएंगे है? भगवान से यानी मंदिर से पैसा ले लेंगे, फिर क्या टेंशन नहीं है, भगवान को भूख लगाओगे तो उसके लिए तरकारी कहां से आएगी। 50 साल तक झगमारी है, हैं? झगमारी है 50 साल तक, नहीं वो तो कमाया तो बच्चों के लिए है, वो तो बच्चों को जाएगा। यात्रा में चलोगे पैसे नहीं, ये करोगे पैसे नहीं, छोड़ोगे नहीं अभी पैसे नहीं, पैसे कहाँ गए, ले गए लूट के घर वाले, अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो झक मारी हमने जीवन भर। तो यही है जो हम चर्चा कर रहे थे, जो कपिल भगवान बता रहे थे कि परिवार के लिए पूरा जीवन लगा दिया लेकिन अपनी आध्यात्मिकता के लिए कुछ करा ही नहीं। अरे मानते हम तो कहते हैं पैसे की जरूरत नहीं है, अगर आप करोगे तो आपको रोटी मिल जाएगी, हाँ इतने कपड़े तो आप सबके पास होंगे कि आपकी अलमारियां भरी होंगी, आई एम 100% श्योर, जो कि इस जीवन के लिए बहुत है। अभी भी इसी वक्त भी अगर मैं बोलूं अब से लेके जीवन तक आपको कोई कपड़ा नहीं सिलवाना है तो आई एम 100% श्योर कि वो जीवन भर चल जाएगा, ये बात पक्की है। अब ये बात अलग है कि आपको हर फंक्शन में नया पहनना है, हर साल नए कुछ सिलाने हैं, प्रभु जी पॉकेट मनी नहीं देते, कुछ कुछ सूट तो सिलाने ही पड़ते हैं ना हर साल, ऐसा ऐसा अगर विचार है तो अलग बात है। लेकिन यदि आप ये बात को समझ जाओगे कि ये आश्रम जीवन के उद्देश्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है तो आप उसको यूटिलाइज करोगे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। फिर अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट मरने वाले कब्र पे पैर लटके हैं भैया, समय कहाँ है अब सूट का, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं कब तक, कब तक आखिर कब तक, हम बालों को रंगते रहेंगे, थोबड़ों को रंगते रहेंगे और शरीर को रंगते रहेंगे कपड़ों से। अब हमें क्या करना चाहिए, रोटी मिल जाएगी 100% मिलेगी, रोटी का खर्चा होता ही कितना है, सच बताएं तो खाली अगर रोटी खानी हो तो। आप बोलो प्रभु जी हम पूरे दिन अपने आप को यात्रा और सेवा में लगाने को तैयार हैं, आप हमारी यात्राएं किस तरह से कर दीजिए, प्रभु जी मेरे बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया, प्रभु जी वो देते नहीं है पैसे, मेरे साथ ये हो गया, बता दीजिए खुल के, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, करती हूँ पूरी तरह, हमें सेवा में लगा लीजिए, हमें एक पैसा नहीं चाहिए बदले में, लेकिन हमें स्पिरिचुअल कराते जाइए चीज़ें, बस आप देखेंगे कि सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हम देना ही नहीं चाहते हैं अपने आप को, कितने घंटे काम कराओगे प्रभु जी पहले थोड़ा बताओगे कितने घंटे, क्योंकि मुझे घर में भी तो देखना है ना, पोता हुआ है पोती हुई है वहाँ भी तो थोड़ा काम है। तो पुराने जमाने में जो लोग वानप्रस्थ लेते थे वहाँ पोते पोतियाँ कैसे पलते होंगे, थोड़ा कुछ बताइए कैसे पलते होंगे, पता नहीं, तो उसको बाहर आंगन में छोड़ देते होंगे छिपकली की तरह, माँ बाप देख लेते होंगे, तो माँ बाप आप क्यों नहीं देख पा रहे, अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ ली है। और आदमी को कोई नौकर मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या है, तो क्या ऐसे में पोते की वो करना नौकरी है, है? नौकरी है बताइए जी, है या नहीं है, है देखिए जी बार बार हम बता रहे हैं ये लिखा है यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं, अभी तो नारद मुनि पता नहीं क्या क्या बताएंगे, मैं तो बहुत हल्का बता रहा हूँ।
हमें ध्यान देना चाहिए। और तू तीसरा क्या है? संन्यास। तो संन्यास में से तो आप एग्जेम्प्ट हो गए, संन्यास नहीं है हमारे लिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों उद्देश्य, दोनों कौन से, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ, इन दोनों के लिए तो जीवन में कोई स्कोप नहीं है इंद्रिय तृप्ति का। गृहस्थ का पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन तीनों आश्रमों में विषयी जीवन बिताने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। कौन लिख रहा है? प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्या है तनिक भी? तनिक कितना होता है? तनिक, तनिक भी गुंजाइश नहीं बता रहे हैं। नहीं खाया जाएगा ये मिलेट, नहीं खाए जाएंगे, नहीं खाए जा रहे, थोड़ा सा मसाला। अभी हम वानप्रस्थों के पीछे पड़े हैं, ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारी हमारे भाईजन, प्रभु जी ये नहीं खाता है। आप में से ही कईयों की माएँ मुझे बता रही हैं, नहीं खाता है प्रभु जी, इसको कुछ चाहिए, वैरायटी चाहिए इसको। ये चुपके से माँ के पास आ जाता है और माँ भी चुपके से जेब में डाल देती है, बेटा खा लियो, है कि नहीं? आप लोगों की माएँ ये शिकायत करती हैं कि आप लोग को बढ़िया चाहिए, कुछ आनंदमय चाहिए, ऐसी शिकायत करती हैं आपके मम्मी पापा लोग, इसको कुछ बढ़िया चाहिए। कुछ नहीं प्रभु जी, बस बढ़िया से इनका खाना हो जाए, और कुछ हो ना हो, और कुछ आप दें ना दें, लेकिन बरातियों का स्वागत टैंटड़ाइंग से होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बारात को अच्छे से खिला देना, क्योंकि वो भूखे भेड़ियों की तरह आएंगे, सिर्फ खाना ही के लिए आएंगे, उनका पर्पज ही खाना खाना है, वरमाला वगैरह से कोई मतलब नहीं, खाना। इसलिए एक कहावत बनी थी, एक ऐसी कहावत है, अगेन डैश बोलना कोई जाति बुरा मान जाएगी, डैश यार किसके, खाओ पियो और खिसके। इसमें कुछ भी लगा लीजिए अब, खाओ पियो और खिसको, जीवन का पर्पज यही है। इसलिए बरातियों का स्वागत बढ़िया आहार से होना चाहिए जीवन का। इसलिए लोग गुरुकुल में जो छोड़ के भी जा रहे हैं हॉस्टल में, या खाना ठीक कर देना प्रभु जी, खाना इनको मिल जाए बस बढ़िया, और तो सब ठीक है, जैसा आपको बनाना है वैसा बना लो आप, इन खिला दो अच्छा। यहाँ कह रहे हैं तनिक भी गुंजाइश नहीं है इन तीनों आश्रमों में। किस किस में? आप लोगों के लिए दो, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ में, तनिक भी गुंजाइश नहीं। जबकि गृहस्थ जीवन में कुछ कुछ छूटे हैं जो कि हम सुनेंगे, इसलिए नारद मुनि ने सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन किया, क्योंकि वो बता देना चाहते थे कि मैथुन भी की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किंतु जो मैथुन का इच्छुक हो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए शास्त्रों तथा गुरु की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ये सब समझ सके इसलिए उन्होंने अपने आप को गृह मूल भी, उन्होंने बताया, अरे ये सब सुन के तो ऐसा लगता है कि मैं इस गृहस्थ जीवन के अंधकूप में गिरा पड़ा हूं। गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में अनभिज्ञ रहता है। क्यों क्यों रहता है अनभिज्ञ? क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बर्तन धोने, झाड़ू लगाना, कपड़े धोने, कपड़े सुखाना, डस्टिंग करना, राशन तरकारी लाना, ऑनलाइन मंगाना, मंडी में जाना, है ना, है कि नहीं, ऑफिस जाना, जाते आते इसमें समय लगाना, फिर रिश्तेदारियाँ, एक रिश्तेदारी, दो रिश्तेदारी, तीन रिश्तेदारी, आदमी बड़ा गर्वान्वित फील करता है, हमारा ना परिवार बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, रोज़ कुछ ना कहीं से आता रहता है। तो इस कारण से बता रहे हैं कि वो लक्ष्य के बारे में अनभिज्ञ बना ही रहता है, उसकी बुद्धि बहुत चढ़ी बड़ी नहीं होती। हाँ होती है चढ़ी बड़ी, कहाँ ठस हो जाती है बुद्धि। अतएव जितनी जल्दी हो सके मनुष्य को चाहिए कि घर के तथाकथित सुविधा संपन्न जीवन को छोड़ दे और तपस्या करने की तैयारी करे। जय शिला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, है बोलते हैं कि नहीं? यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता प्रभुपाद हमारा? होना क्या है, हो ही क्या रहा है अभी? क्या हो रहा है, क्या होता मतलब, क्या होता, क्या होता तो अभी क्या हो रहा है? ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो रहा है, सुख सुविधा जीवन के कुछ छोड़ दे, तपस्या करने की तैयारी करे। हमें लगता है आप लोग ज्यादा कर रहे हो, ये कांग्रीगेशन ने जान सुखा रखी है, कौन सी मनहूस घड़ी में मैं यहाँ आई थी, आया था, वहां पे तो बहुत मजे हैं, ऐसा नहीं होता। हम कल गए थे उस वाले मंदिर में, वहां पे तो बहुत आनंद था, ये था वो था,
यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही है। अरे प्रभुपाद बता रहे हैं, हम कहाँ, हमारी औकात क्या है कुछ बताने की। जो प्रभुपाद बता रहे हैं उसको जीवन में अपनाओगे, हम सब अपनाएंगे तो लोग कहेंगे अरे ये अद्भुत चीज़ कैसे हो रही है, ये कैसे हो पा रहा है, ऐसे हो पा रहा है। आप लोग भी कर सकते हैं, पढ़िए एज इट इज़ को, पढ़िए और एज इट इज़ अपना लीजिए। जब एज इट इज़ लिखने से संसार में इतना नाम हो गया तो एज इट इज़ अपनाने से क्या होगा। हाँ कितनी गीताएं लिखी दुनिया में भगवान ने और लोगों ने लिखी, एक आदमी ने लिखी एज इट इज़, तो क्या हो गया, तहलका मच गया। अब एक आदमी इसको एज इट इज़ जीवन में उतार दे तो क्या होगा, तहलका मच जाएगा। इसीलिए मच रहा है जो भी मच रहा है, लेकिन हमें हमें थोड़ा भा नहीं रहा है, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। हाँ कौन व्यक्ति कह सकता है कि वो इस्कॉन में है, बताइए व्हाट इज इस्कॉन, व्हाट इज इस्कॉन बताइए, बोलिए बोलिए। संस्थापक आचार्य कौन है, तो संस्थापक आचार्य कोई संस्था बनाता है तो कुछ विचारों के साथ बनाता है, जो उनके विचार हैं वही इस्कॉन है। हाँ या लाइफ मेंबर वाला इस्कॉन है, या मंदिर की लिस्ट में जिसका नाम है वो इस्कॉन है, या जो इनिशिएटेड है वो इस्कॉन में है, कौन है इस्कॉन में, जो उस विचारधारा को अपने जीवन में उतारता है वो इस्कॉन में है, बाकी नहीं है। बाकी दे मे बी थिंकिंग दैट दे आर इन इस्कॉन, क्या प्रभुपाद देख नहीं रहे हैं सब, वही तो बताएंगे भगवान को, भगवान हाँ ये है भगवान इस्कॉन में है, ले लीजिए भगवान ये है, नहीं भगवान क्या सारा भाई माथे रे तिलक गौर मिले ना, इसने माथे पे तिलक तो लगाया है लेकिन इसकी इच्छाएं कुछ और हैं, ये नहीं है इस्कॉन में भगवान। और वहां जाके सोचिए जब वो खड़ा होगा ना वहां जाके, उसको तो बिल्कुल, वो तो बड़े खुशी खुशी जा रहा होगा घर, जीवन त्याग कर, अब बस जीवन आखिरी सांस है, आई एम गोइंग टू कृष्णा, और वहां पर प्रभुपाद कहेंगे नॉट इन इस्कॉन। ओह त्रिशंकु की तरह जया गया, गया त्रिशंकु को हाँ विश्वामित्र ने ऊपर भेज दिया, जिंदा जी जिंदा, घटिया कर्मों के साथ अपना योग बल से मंत्र पढ़े, जैसे आप मंत्र पढ़े आप यहीं से उड़ गए, ऐसा हुआ, यहाँ बैठे हो ना आप लोग, वो बैठा बैठा उड़ने लगा, ऐसे 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 उड़ता उड़ता अंतरिक्ष में चला गया और स्वर्ग में पहुंच गया इंद्र जी के पास। इंद्र जी ने कहा ये दो कौड़ी का आदमी बिना किसी योग्यता के यहाँ आ गया, लात मारी वहां से, और जैसे बैडमिंटन खेलते हैं इधर से मारा तो शटल कॉक उसका मुंह उधर को जाता है पता है आपको, फिर उधर से पड़ती है फिर वो इधर को आती है, इस तरह से वो फट से नीचे आया, यहाँ से उन्होंने फिर से भेजा, उन्होंने ऊपर से मारा, इन्होंने नीचे से मारा, ऐसी हालत हो गई। अब ऐसे ही हम लोग अब अंतिम समय तक जाएंगे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, दरवाजा बंद कर दो। तो वो सोचेगा कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान के धाम में जाऊंगे, जाएंगे भगवान वहां पे प्रभुपाद खड़े होंगे, वहां प्रभुपाद क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉट इन इस्कॉन। ओहो तो भगवान कहेंगे, राधा रानी कहेंगी देखिए जी मैंने जो डिस्काउंट कलयुग में दे रखा है केवल इस्कॉन वालों के लिए दे रखा है, बाकियों को तो करना पड़ेगा तपस्या, और वो कौन है जो प्रभुपाद को एज इट इज फॉलो करते हैं, उनको आने दो। समझ में आया, इसलिए कहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं लेट अस डिस्कस टुगेदर, प्रभु जी हम ये हमने ये पढ़ा आज, हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या करें कि इसको हम फॉलो करने लग जाएं, लेट अस डू दैट। ऐसा थोड़ी कि मैं ही बताऊंगा, आप लोग बताइए, पढ़िए ग्रंथों को और बताइए कि ये हमने पढ़ा जी ऐसा कैसे करें, और ऑब्जर्व भी कीजिए, हाँ ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा हम कर रहे हैं, हाँ वंडरफुल वंडरफुल। अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा, हाँ ऐसा प्रभुपाद ने बोला ऐसा हम कर पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हो रखी है, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा ऐसी व्यवस्था हो रखी है, आदमी अपने आप ही ग्रेटफुल हो जाएगा, चिंतन करेगा तभी होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि मनुष्य को सुविधाएं छोड़कर तपस्या करनी चाहिए। तपस्या में पहली तपस्या सवेरे उठ के जप तो करो कम से कम, क्या कहते हैं आप, प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में इस्कॉन में एक ही रूल बनाया कि सवेरे उठिए और 4:30 बजे मंगल आरती कीजिए, अपना जप कीजिए, अपनी कथा सुनिए, फिर जीवन के काम कीजिए, ऐसा बनाया कि नहीं प्रभुपाद ने रूल। हमारा जप कब खत्म होता है, रात को घिस घिस के, एक्स्ट्रा माला करने वाला अलग बात है। हाँ ये प्रभुपाद का नियम है क्या किसी और का नियम है, किसका नियम है,
मॉर्निंग साधना पे प्रभुपाद के, आपने सुना है मॉर्निंग साधना पे कितना जोर दिया गया है, बट हमारी होती है नहीं? फिर हम कह सकते हैं कि हम इस्कॉन में हैं? बताइए, जब जाएंगे तो क्या होगा, कौन सी स्टैंप लगेगी? नॉट इन इस्कॉन, पहाड़ गिर जाएगा। तभी वहीं पर क्या होगा, उसी वक्त क्या होगा वहां पर, उसी वक्त यमदूत कहेंगे आ जा बेटा और ले जाएंगे फिर। इसलिए भ्रम है हमें, शायद हम इस्कॉन में है कि नहीं कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तपस्या की बात करी जा रही है, तपस्या में हम मॉर्निंग में उठा ही नहीं जा रहा हमसे, कई कारणों से नहीं उठा जा रहा है। गृहस्थ आश्रम अभी तो शुरू भी नहीं किया हमने, नारद मुनि क्या कहते हैं, बट हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम कैसे कह सकते हैं हम इस्कॉन में हैं, जबकि हमारा मॉर्निंग में ध्यानपूर्वक जप नहीं हो रहा है, हम आरतियां नहीं कर पा रहे हैं, या वट एवर जप नहीं कर पा रहे हैं मॉर्निंग में। सबसे इंपॉर्टेंट जप ही है, 99% ऑफ द डिवोशनल एक्टिविटीज योर जपा ही नहीं हो पा रहा है। तो हमें अपने जीवन शैली को इस प्रकार ढालनी चाहिए कि ये मॉर्निंग प्रोग्राम हम बड़े अच्छे से कर पाएं, यही तपस्या है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? जल्दी उठना पड़ेगा, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा, उसके लिए रात को कम खाना पड़ेगा। फिर वही बात सारी आती है, गृहस्थ जीवन में एक ही तो सुख है ले दे के, सबसे बड़ा सुख क्या है? डिनर, खाने में भी डिनर, उसका आनंद ही कुछ और है। यही तो एक सुख बचा है हमारे जीवन में। इसलिए कहें तपो दिव्यम पुत्र का, ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए उनके अनुसार हमें सुविधाजनक स्थिति ना उत्पन्न करके तपस्या करनी चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? प्रभुपाद। सुविधाजनक स्थिति, सुविधाजनक स्थिति क्या है? जब जागो तभी सवेरा, जब आंख खुलेगी तब चालू हो जाएंगे। लेकिन असुविधाजनक क्या है कि नियम है, मैंने जीवन में शपथ ले रखी है मैं ऐसे उठूंगा ही उठूंगा या उठूंगी उठूंगी, ये शपथ है। तो इस कहने असुविधा सुविधापूर्वक स्थिति ना उत्पन्न करके तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को इसी तरह जीवन का चरम लक्ष्य पूरा करने के लिए जीवित रहना चाहिए। अब नारद मुनि क्या बोलते हैं? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजा, जो लोग घर पर गृहस्थ की भांति रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोला जा रहा गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ में बोला गया आपको, अब कार्य छोड़ देना चाहिए। जीवन में जितना कर लिया कमा लिया कमा लिया, तो घर पर गृहस्थ की बात उन्हें जीविका अर्जित करने कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास ना करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना देना चाहिए। हो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब करूं मैं और खाए कोई और, ऐसा होता है क्या? करूं मैं और खाए कोई और, होता है ऐसा कहीं? ये बता रहे होता है, आप भी कह रहे होता है, कैसे? क्या मधुमक्खी और हाँ करते हैं, हमें खाता कौन है? बच्चे। तो उस पर तब भी तो हम यही फिलॉसफी अपनाते हैं, सारा दुनिया ये नहीं कहता मैं अपना पेट काट काट के जोड़ूंगा तुम्हारे लिए, और बाद में बोलता भी है मैंने अपना पेट काटा, मैंने सिलाई करी, मैंने घरों में काम किया ताकि तुझे पढ़ा सकूं, आज तो ऐसी नजरें दिखा रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? तो आदमी ये तपस्या करता है, खुद पेट काट के परिवार को खिलाता है, तो फिर यहां और उसमें क्या अंतर है? यहां भी यही कह रहे हैं कि आप अपना पेट काटो और किसको खिलाओ? वासुदेव को खिलाओ, यही तो बोला जा रहा है। लेकिन ये इतना भयंकर क्यों लगता है बताइए? वो तो बड़ा अच्छा सा लगता है नहीं? अगर मैं यहाँ लेक्चर दे दूँ थोड़ी देर में, वही कहाँ तुम चले गए टाइप्स, कि बच्चे यही हमारा जीवन है, हमने तो अपने जीवन में इतना कष्ट देखा, हमने इतनी गरीबी देखी, लेकिन बच्चों को मत देखने देना, तुम लोग खूब मेहनत करो, अपने बच्चों को हर वो सुविधा दो जिससे आप वंचित रह गए, उनको अच्छा स्कूल मिलना ही चाहिए, उनको कपड़े उनके चीथड़े नहीं होने चाहिए उनके शरीर में, भले ही आप चीथड़े पहनो। हाँ हम कर सकते हैं, भगवान ने ऐसा गुण दिया है, ऐसे मोटिवेट करा जा सकता है, और 2 सेकंड में आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमने ये बोलने शुरू किया कि प्रभु जी जो आप कर रहे हो ना सब भगवान को दे दो, धीरे धीरे पीछे से खिसकना चालू हो जाएंगे लोग। थोड़ी देर में ना आप यहाँ पे लेक्चर के बाद में बोलेंगे कमिटमेंट दो, आप मंदिर के लिए कितना दान दोगे, पहले लेक्चर देंगे फिर करेंगे शपथ लो आके। हाँ मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं बताऊँ आपको, मैं इस्कॉन में जुड़ गया था, थोड़ा बहुत ही जुड़ा था, तो बाई चांस मैं मंदिर में पहुंचा पहली बार, और मंदिर में जो मैंने देखा उसको देख के मैं डर गया। मैंने क्या देखा, हमारे गाजियाबाद मंदिर में प्रणव प्रभु थे काफ़ी, जिन्होंने ये मंदिर बनाया, वो बैठे थे, उनके आसपास कुछ लोग बैठे थे, टेंपल हॉल में क्लास ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, अब वो क्या कर रहे थे पता है?
वो टारगेट पूछ रहे थे सबके, कितनी गीता करोगे, कितने गीता करोगे। ओहो, मैं आगे तक गया और मैं उल्ट के वापस आ गया। मैंने कहा तो फंस गए यहाँ तो आते ही, यहाँ तो टारगेट पूछे जा रहे हैं कितनी गीता करोगे। तो ये हमारे दिमाग की समस्याएं हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, मैंने बताया कि अगर हम इससे ये बोला जाए कि सब कुछ अपने बच्चों के लिए लगा दो, अपने माता पिता के लिए लगा दो, तो हम बड़े अच्छा महसूस करते हैं। करते हैं कि नहीं? ऐसी जगह में क्या बढ़िया बताया, हाँ यही तो है जीवन, सारा सब कुछ बच्चों के लिए करना, सब कुछ माता पिता के लिए करना, यही तो जीवन है। बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? सुनना, क्यों अच्छा लगता है और वो वाला क्यों बुरा लगता है बताइए। हाँ, अटैचमेंट, परिवारजनों से अटैचमेंट, लेकिन भगवान से अटैचमेंट हमारा नहीं है। भगवान और परिवार, थोड़ा सा बताइए कि किसने हमारे लिए क्या किया? परिवार ने हमारे लिए क्या क्या किया? परिवार ने हमें क्या किया? पढ़ाया लिखाया। चलो पहले पॉजिटिव सोच लेते हैं, क्या क्या किया? पढ़ाया लिखाया, खाना खिलाया बचपन में, मेरे ससुर पॉटी साफ करी, और मेरे कपड़े धोए, और मेरे को घर दिया, संरक्षण दिया, और बीमारी में मेरा इलाज कराया। हाँ, घुमाने लेके गए, खिलौने दिए। नहीं, गुरुकुल वाली बात नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल हो गया है। शादी कराई, ये तो थोड़ा डाउटफुल है कि सही है क्या गलत है। ऊंच नीच सिखाई, इस पे मेरे को श्योरिटी नहीं है। मेरे बच्चों को भी पाला, ओके ठीक है जी। अब भगवान ने क्या किया थोड़ा सा? नहीं नहीं ऐसे नहीं, इन सब को है ग्रॉस मन, एक एक चीज बताओ ऐसे थोड़ी है। क्या शरीर दिया? शरीर तो माँ ने दिया, शरीर तो आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने शरीर नहीं दिया अपने बच्चों को? सुन रहे हैं वो, अनग्रेटफुल हो जाएंगे आपके लिए, सोच लो। आप लोगों ने शरीर दिया इनको? नहीं देखा, आप सोच में पड़ गए हैं। ये बच्चे कह रहे हैं भगवान ने दिया, आपने नहीं दिया। सही बात है माता जी, आपने दिया कि नहीं दिया? नहीं, अच्छा जी नहीं दिया। तो भगवान ने शरीर दिया, आंख दी, आंख दिया, कान दिया। आप लोग जानते हैं आंख बनाना, फैक्ट्री जानते हैं आंख बनाना आप लोग? माता जी ब्रेन बनाना तो जानते होंगे, नहीं? नाक बनाना जानते हो आप लोग? नाक, तो आपके बच्चे की नाक कैसे आई? अच्छा, यहाँ पोल खुल गई, ठीक है जी। भगवान ने और क्या दिया जी? शरीर तो भगवान ने दिया, हवा दिया। हवा के बिना कितनी देर रह सकते हो? कितनी देर रह सकते हो? चलो एक मिनट, दो मिनट, स्विमिंग करने वाले लंबा खींच लेते हैं। और माता पिता ने खाना नहीं दिया, उसके बिना कितनी देर रह सकते हो? काफी देर रह सकते हो। अच्छा जी, और क्या दिया भगवान ने? पानी, फल, अनाज भी उन्होंने दिया, लेकिन मेरे घर में तो मम्मी पापा ने दिया, दुकान से ले गए, तो खरीदा तो उन्होंने, पैसे दिए, पैसे भी भगवान ने दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है नोट, उसकी वैल्यू भगवान ने दी। अरे माँ के दूध किसने दिया पहले? आप लोग दूध बनाना जानते हो? मार्केट से क्यों खरीदते हो? जानते हो बनाना? नहीं आता ना, बच्चा बड़ा होने के बाद बंद जाता है। पहले कहाँ से आया? आपने कुछ किया? किया तो आप जिंदा ही इसलिए रहे क्योंकि दूध की सप्लाई थी। आपने गाय का दूध पिया होगा, चलो गाय का दूध किसने दिया? गाय ने? कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसी फैक्ट्री है जो घास खा के दूध पैदा कर दे, मजा ही आ जाए तो है। घास खा के दूध, घास फैक्ट्री में डाली जाए, एक तरह से उधर से दूध निकले, देखा कहीं? नहीं देखा। फिर आपने सोयाबीन का पाउडर मिल्क पिया होगा, किस किस का होता है सोयाबीन एंड आई डोंट नो, हाँ जिसका भी दूध होता है
वो चीज़ें किसने दी? तो जो भी आपने, जब आपके हाथ पैर नहीं चलते थे खाना पीना, तो सारी सप्लाई जो आपको मिली वो अल्टीमेटली भगवान से मिली। और क्या दिया भगवान ने? गुरु दिए, चलो ठीक है, ये तो फिर डीप बात हो गई। और हाँ माँ के गर्भ में थे तो माँ तो खाती थी कुछ भी, सोचती नहीं थी वो कि बच्चे के पेट में कैसे जाएगा। बाद में तो निवाला दिया, पहले निवाला किसने दिया? 9 महीने बताइए, निवाला दिया आपने, दिया निवाला तो उसके मुंह में किसने डाला फिर? जब आप कहते नहीं प्रभु जी गुरुकुल में ना, मतलब मुझे लगता है प्रभु जी ना खा नहीं पाएगा ठीक से, मैं जरा अपने हाथ से, तो 9 महीने आपने हाथ से खिलाया था, तो किसने खिलाया था उस वक्त? फिर आप कहते हो कि हमको पहले पूछो, माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है, कहते हो कि नहीं? संसार बताइए, इसलिए समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि जिसने सब कुछ दिया है उसी को तो दे, उसी के लिए तो कह रहे हैं कि उसी के लिए करो सारे काम, क्या गलत कह रहे हैं बताइए? अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास ना करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, फिर अंदर से आता क्यों नहीं है ये? क्यों नहीं आता है? लालची मतलबी इंसान के अंदर क्या आएगा जो सिर्फ खाना जानता है भोगना जानता है? आएगा उसके अंदर कुछ? परिवार में ही कई बार दो संतानें होती हैं, एक संतान को बड़ा ग्रेटफुलनेस होती है माता पिता के लिए, और एक संतान क्या करती है कई बार, क्या बनाया है पकौड़े एक और दे दो, बेटा ये ना पापा के हैं या मम्मी के हैं, तो क्या हो गया मैं भूखा रहूं क्या? छीन के खा लेगा, भाग जाएगा। दूसरा कहेगा ये ना मेरी प्लेट से ले लो। इन दोनों में क्या अंतर है? एक ग्रेटफुल है, एक अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल लोग अच्छे होते हैं क्या लगता है आपको? हैं अच्छे होते हैं अनग्रेटफुल लोग? अच्छा कौन है? जो ग्रेटफुल है वो अच्छा है, उसी से समाज अच्छा बन सकता है। तो वही व्यक्ति ऐसा चिंतन कर सकता है कि वासुदेव कृष्ण के लिए ही हमें सब कुछ करना चाहिए, उन्हीं को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। लेकिन समाज का डिज़ाइन कुछ ऐसा कर दिया गया है कि हम हर चीज़ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं ताकि मेरा परिवार बढ़िया चले, मेरे परिवार में सारी सुविधाएं हो जाएं। दूसरा का परिवार का वो देखेगा अपने आप। और कृष्ण कृष्ण तो लक्ष्मीपति हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है? कई लोगों से डोनेशन मांगने जाते हैं तो बोलते हैं ना, अरे इस कौन पर बहुत पैसा है। कई बोलते हैं अरे तुम्हारा पति, तुम्हारा भगवान ही लक्ष्मी का पति है, क्या जरूरत है उसको। तो हमारा सारा जीवन किस में जाता है? किस में जाता है सारा जीवन? एक्यूमुलेट करने में, इकट्ठा करने में जाता है कि नहीं? ताकि हम कुछ और क्या कर पाए, कुछ और असेट्स को जोड़ पाए अपने जीवन में। जितना पहाड़ पर चलते हुए बैग, पहाड़ पर चढ़े हैं आप लोग हमारे साथ तो चढ़ना ही पड़ जाएगा आपको पहाड़ों पे, तो बैग कैसा होना चाहिए पहाड़ पे चढ़ता हुआ? जितना बैग भारी करेंगे उतना मुश्किल है। उस तरह से जितना हम लोग असेट्स को जोड़ेंगे उतना जीवन में आगे चलना मुश्किल होता चला जाएगा। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखना चाहिए। कैसे उस भगवान को प्रसन्न किया जाए, किसके साथ सीखना चाहिए? भक्तों की संगति के साथ। अरे भक्तों की संगति में जाने में तो सारे समस्या है, कभी डोनेशन मांग लेते हैं, कभी सेवा दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अकेले रहने में ये सेफ है। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं प्रभु जी, मंदिर जाओ, प्रभुपाद ने मंदिर खोल रखे हैं, मंदिर में जाओ, प्रोग्राम अटेंड करो, अपने घर में आ जाओ। वंडरफुल डिवोशनल एक्टिविटी। आपका क्या कहना है? क्या जबरदस्त कीर्तन चल रहा है, क्या जबरदस्त प्रसाद है, सामने बैठ जाओ, अभिषेक सामने हो रहा है, अभिषेक के दर्शन करो, आहा मेरे प्रभु नहा रहे हैं, दूध से नहा रहे हैं, आनंद ही आनंद है। थोड़ी देर बाद कीर्तन होगा, आहा क्या कीर्तन है। थोड़ी देर बाद प्रसाद होगा, आहा क्या प्रसाद है। उसके बाद खाओ पियो और किसको जा रहे हैं प्रभु जी, टाइम पे सोएंगे क्योंकि सवेरे 3 बजे उठेंगे, जप करना है, क्या समस्या है इसमें?
सब कुछ तो बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम बताइए है? सेवा नहीं है आपका मतलब है? अभिषेक के दर्शन करना सेवा नहीं है? कीर्तन सुनना सेवा नहीं है? प्रसाद पाना सेवा नहीं है? हैं भोगा मतलब आप कह रहे हो ये भोगना है? अभिषेक को देखना मेरे मुंह में जा रहा था या भगवान के ऊपर गिर रहा था? क्या भोगा मैंने इसमें? भगवान के दर्शन किए अभिषेक होते हुए, भोगना कैसे कह सकते हो आप इसको? करी नहीं, फिर वही बात, कीर्तन सुनना सेवा नहीं है? पार्टिसिपेट करना, चलो मैंने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट भी किया। मेरे को तो लगता है मोस्टली डिवोटी यही कर रहे हैं दुनिया में, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो नहीं मानता इंद्रिय तृप्ति है, हैं? भक्तों की सेवा नहीं करी, भक्तों की सेवा नहीं करी। अच्छा, और भाव मिसिंग है? वाह, आंसू आ रहे थे मेरे जब मैं दर्द देख रहा था, मेरे प्रभु के ऊपर जब वो दूध गिर रहा था और जब वो लाल लाल गिरा ना, लाल लाल, तो मेरे आंसू आ गए थे। आप कह रहे हो भाव नहीं है? वहां देख लेना रोते हुए लोगों को, बैठे हुए लोगों को आप देख लोगे रोते हुए, देखा किसी ने? हाँ वो माता जी देखो कह रही है, देखा भाव कहाँ कहाँ कमी है भाव की भैया? हाँ तो फिर श्रवण सेवा नहीं है क्या? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? इस जीवन में वासुदेव को प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति में सीखना चाहिए। मानते हैं कि शिल प्रभुपाद भगवत भक्त हैं, हम तो नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या किया अपने जीवन में? हा? ताली बजाई, अभिषेक होते हुए देखा, क्या किया उन्होंने? क्या किया? वृंदावन में जाके सेटल हो गए? देन वाई एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेटल इन वृंदावन? सेटल हो गए वृंदावन में? कौन सी उम्र में गए? 70 साल में। क्या किया उन्होंने 70 साल के? प्रचार शब्द बड़ा हल्का है प्रभु जी, उन्होंने घनघोर तपस्या करी, उन्होंने अनलिमिटेड पेन्स को लिया। हाँ, उन्होंने अभिषेक होते हुए नहीं देखा, somebody was doing preparation for अभिषेक। हाँ, somebody was doing भोग, मेक कोई भोग बना रहा था भक्तों के संग में, कोई अभिषेक की तैयारी कर रहा था, कोई सफाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उन्होंने सेवा करी, उनके ऊपर कृपा ज्यादा होगी obviously, क्योंकि उन्होंने अपने आप को झोंक दिया उसके अंदर। जैसे किसने झोंका? किसने झोंका? जैसे अभी तो बताया, क्या हो गया आपको? झोंका कि नहीं झोंका? क्या एग्जाम्पल है प्रभुपाद ने झोंका? खुद ही प्रसाद बनाया, खुद ही बर्तन साफ करे, खुद ही किताबें बांटी, 70 साल की एज में जहाज में गए, पानी के जहाज में हार्ट अटैक आए, किताबें छापने के लिए सर पे कागज रख के लेके जाते थे, छिपीवाड़न में के बाहर कह रहे हैं किसी ने गाय ने मार दिया। तो जब कहीं असेंबली होगी जहां प्रभुपाद के लिए बोलने को मौका मिलेगा तो नोट कर लो ये सारे पॉइंट, हाँ, क्योंकि वहां हम बताएंगे कि हम कितना अच्छा बोलते हैं, और ये सारे पॉइंट बोलना शुरू कर देना वहां पर। लेकिन जीवन में कोई मत उतारना इसमें से, नहीं तो समस्या हो जाएगी। बोल देना ये पॉइंट सारे, ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन करेंगे हम, लेकिन जीवन में नहीं उतारेंगे उस ग्लोरी को, ग्लोरिफिकेशन करेंगे जरूर हम। इसलिए जिस आदमी को ये बता रहे हैं कि भगवान को, वासुदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये भगवत भक्तों की संगति से पता चलेगा। ये तालियां मार के नहीं आएगा, हो पाएगा? किसी ने ताली नहीं मारी, प्रभुपाद के शिष्यों ने तालियां नहीं बजाई हैं यहाँ पर। सब लोग 70-80 साल के हो गए हैं और घिस रहे हैं अपनी जिंदगी को, उन्होंने वृंदावन में सेटलमेंट नहीं कर लिया अपनी। आज की डेट में गुरु महाराज वृंदावन में जाके भजन करें तो कोई समस्या है आप लोगों को? क्या करेंगे जीवन में और इससे ज्यादा? बट कर रहे हैं वो ऐसा, क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, उनका काम है प्रभु जी, मेरा काम परिवार को देखना है, उनका काम है ऐसा।
उनका काम क्यों है, हम मेरा क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मंदिर से बड़ी गाड़ी मिली है। हाँ, मेरे को थोड़ी मिली है। इससे कई बड़ी गाड़ियां उनके घरों में पहले ही थी उनके पास। फिर इसलिए बता रहे हैं कि भगवत भक्तों की संगति में आप सीखो तो सही कि कैसे चलाना है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, तभी तो समझ में आएगा। ऐसे तालियां मार के थोड़ी समझ में आएगा अपने जीवन को समर्पित करने से। और अभी हमने हमने सुना इतना सारा कि जो भी हमें वास्तव में मिला है वो उसी भगवान से तो मिला है। सो व्हाट वी आर गिविंग, हम दे ही क्या सकते हैं उनको? क्या हम कुछ दे सकते हैं? दे ही क्या सकते हैं? ये सोच के अगर हम जीवन को जिएंगे तब जो है गृहस्थ आश्रम में कुछ हो पाएगा। पर बात बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन की रूपरेखा भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। ये लीजिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, पहली लाइन देखिए, दिख रहा है आप लोगों को कहीं? मैं कुछ अपने मन से नहीं पढ़ रहा, लिखा हुआ है गृहस्थ जीवन की रूपरेखा भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। 6.1 भगवद्गीता। जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है और जो करणीय है वो करता है, वह सन्यासी है, असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। यानी कर्म तो करना पड़ेगा भक्त बनने के बाद भी, खाली तालियां बजा के काम नहीं चलेगा, पेन लेना पड़ेगा, कर्म फलों से अनासक्त रहना पड़ेगा। क्योंकि गृहस्थ के पास कर्म फल है, बाकियों के पास है ही नहीं। गृहस्थ के पास कर्म फल है, वही तो त्यागेगा, और कौन त्यागेगा? और त्यागना, दिस इज लव एंड अफेक्शन, वी आर गिविंग बैक टू द गॉड जिसने हमें सब कुछ दिया है। तो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है वही सन्यासी है। कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करे, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, उसे भगवान वासुदेव कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। यहां तो कुछ और बता दिया, ऐसा तो नहीं है कि सन्यासी के लिए ही है इसका मतलब, ये तो हमारे लिए भी बता दिया उन्होंने। हम तो सोच रहे थे अभी तक कुछ अच्छा है, कुछ छूट मिली हुई हमें। यहां क्या बताया प्रभुपाद ने कि चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, उसे भगवान वासुदेव के कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठप्पा लगेगा वहां पर मृत्यु के बाद, कहां प्रभुपाद खड़े होंगे ना, स्टैंप लेके, इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन, ओ नॉट इन इस्कॉन। तो जो ऐसे जीवन जिएगा, आपने बहुत बड़ा जीवन बना लिया, सबको सेटल कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया, सारे रिश्तेदारों में आपकी तारीफ है, लेकिन वहां जाके स्टैंप क्या लग गई? नॉट एलिजिबल टू एंटर इन टू गोलोक वैकुंठ। क्या हो गया जीवन? सफल हो गया? यही हर एक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नारद मुनि पहले ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी के लिए जीवन का उद्देश्यों को बता चुके हैं, अतः अब वे यह बता रहे हैं कि गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए। मूल उद्देश्य तो भगवान को तुष्ट करना है। ये बड़ी मुश्किल से तुष्ट होते हैं। भगवान को तुष्ट करने की विधि को यहां पर वर्णित साक्षात उपासित महामुनिम से सीखा जा सकता है। महामुनिम शब्द महान संत पुरुषों या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामान्यतः मुनि कहलाते हैं। यहां कह रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। हम क्या सीखते हैं? अरे नहीं, ये मेरे लिए थोड़ी, ये तो सन्यासी है, ये तो वानप्रस्थी है। मेरे लिए हम यही तो प्रेरणा लेते हैं। जब हम लोग इन लोगों को कई बार कष्ट लेते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? क्या चलता है? मेरे लिए थोड़ी है, ये तो इनके लिए है। यहां क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कह रहे हैं सबके लिए। अब महामुनि से सीखना चाहिए। सीखने का क्या मतलब होता है? जैसा वो करें वैसा करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी आदेशों को पालन करना चाहिए। महामुनि सूचक है उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन के लक्ष्य को समझ लिया है अपितु जो भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में लगे हुए हैं। ये लोग भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति किए बिना वासुदेवार्पण की विधि नहीं सीखी जा सकती, जिसका अर्थ है वासुदेव भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर देना। जीवन समर्पित समझते हैं ना, बहुत बड़ी बात है। आत्मनिवेदनम, जैसा बलि महाराज ने किया। हम कहते हैं प्रभु जी मेरा जीवन आपका, प्रभु जी सर पे पैर रख दो प्लीज, प्रभु जी सर पे पैर रख दो, पैर धुलाने दो, प्रभु जी मुझे आपका चरण का जल पीना है। हाँ, ऐसा बताया गया है। अच्छा प्रभु जी थोड़ा सा यहाँ पर ये सेवा के लिए आ जाओगे? प्रभु जी रोज नहीं आ पाऊंगा, पक्का नहीं कह सकता, कर लूंगा, पक्का नहीं कह सकता। अच्छा अपनी यहाँ पे आपकी स्कूटी मिल सकती है या थोड़ा लक्ष्मी मिल सकती है? वो प्रभु जी घर में थोड़ा सा समस्या चल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं मुझे ले लो, मुझे ले लो,
लेकिन मेरी चीज़ों को मत लो। तो वास्तव में मुझे दे नहीं रहे हैं, वो तो कहने के लिए कह रहे हैं मेरे सर पे पैर रख दो, मुझे पैर धोने दो, है ना। अपने आप को समर्पित कर दिया तो मेरी सारी वस्तु चली गई ना पहले ही, फिर तो अपने आप ही चली गई। भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं उस वक्त कुछ रहा होगा। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांवों तथा कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त करने के बाद संध्या के समय सोने से पूर्व भागवतम का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी जिससे लोगों को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता, इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। लेकिन इसके जीवन का फल ये था कि प्रभुपाद ने देखा कि वहां पर लोग संन्यास वानप्रस्थ इसका कड़ाई से पालन करते थे। ये भागवत के श्रवण का रिजल्ट होना चाहिए जो कि आज की डेट में दिखता नहीं है। आज की डेट में वो डांडिया दिखता है, डांडिया, भागवत मतलब डांडिया। तो भक्ति के कौन से दो पुत्र हैं? ज्ञान हो गया है, ज्ञान हुआ हुआ, वैराग्य आ गया है नहीं है, तो मतलब पुत्र अभी फलीभूत नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या नहीं हुआ अभी, भक्ति नहीं है। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं जीवन में, हम लोग बाहर घूम फिर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, हमने ये सब क्यों किया? ताकि हमारे को क्या मिले, भक्ति मिले। प्रभु जी एक ही आशीर्वाद है, मुझे भक्ति मिले, भगवान की, भगवान की भक्ति मिले मुझे, तो उसका मतलब क्या है, ज्ञान और वैराग्य, यानी कि वैराग्य मिले है, यानी कि सब लुट जाए, ऐसा आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद चाहिए, सब लुट जाए, जहाँ जहाँ हाथ दिखेगा वहाँ वहाँ छुपा लो सर अपने अपने, वहाँ सब लुट जाए, वैराग्य चाहिए था ना, क्या करें। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये वैराग्य ऐसा नहीं है कि चीज़ों को त्याग देना है जैसे हम पहले बोलते हैं, लेकिन उनको भगवान की सेवा में लगाना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपको लगेगा आपके जीवन में एक अजीब सी शांति आ जाएगी, या बड़ा अच्छा लगेगा आपको, दिस इज़ फॉर श्योर, आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि तभी तो इतने सारे लोग संत पुरुष, ये बच्चे जरा जरा से बच्चे जो है ब्रह्मचारी बन रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम तो क्या ही दे रहे हैं, हम तो जो आ रहा है उसमें से भी कैलकुलेट करके दे रहे हैं, दे हैव द रियली गिवन देयर लाइफ। तो जब वो इतना कर पा रहे हैं तो हम लोग कुछ तो कर सकते हैं, राइट। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की।